आज कई आधुनिक वैज्ञानिक तर्क दे रहे हैं कि मानव मस्तिष्क एक ही समय में दो काम करने में सक्षम नहीं है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं कि वो सब गलत है। मेरे दिमाग में हर समय 12-14 ट्रैक चलते रहते हैं। दिमागी बुद्धि केवल सतही पहलू है, ये एक परत मात्र है। उस विशाल बुद्धिमत्ता की जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। अगर आप इस धरती पर जीवन के विकास क्रम को देखें तो इंसान इस दुनिया पर हावी क्यों है, बावजूद इसके कि हम शारीरिक रूप से धरती पर कई दूसरे जीवों से कमजोर हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि किसी तरह हम दूसरों से ज्यादा सक्षम हो गए हैं। लेकिन मनुष्य होने की यह क्षमता बहुत कम हो जाती है जब इसके बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह जाता कि क्या याददाश्त है और क्या कल्पना, क्या सोना है और क्या जागना। एक व्यक्ति के मन में ग्रहणशीलता के 5 प्रमुख केंद्र होते हैं। ये हैं याददाश्त के केंद्र, कल्पना के केंद्र, सही बोध के केंद्र, विकृति के केंद्र और नींद के केंद्र। अगर आप क्लासिकल योग का अभ्यास करते हैं तो ये 5 आयाम आपके अनुभव में साफ तौर पर अलग अलग होंगे। अगर ये अलग नहीं है तो आपके साथ होता यह है कि जब आप कुछ याद करना चाहते हैं तो आपकी कल्पना आपकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ करती है। जब आप कुछ कल्पना करना चाहते हैं तो आपकी याददाश्त आपको कल्पना के सही आयाम में पहुंचने से रोकेगी। जब आप सोना चाहते हैं तो आपको सपने आएंगे, जब आप जागना चाहते हैं तो आपको नींद आएगी। इससे बहुत सा भ्रम और जीवन की अकुशलता पैदा होती है। मैं आपके पेशे या ऑफिस या किसी और जगह में कुशलता की बात नहीं कर रहा। हां, वहां भी होगा, उस तरह से भी यह व्यक्त होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जीवन की अकुशलता। जब मैं जीवन की अकुशलता कहता हूं तो यह जीवन उस उत्साह और उल्लास और खोज करने की चाह नहीं रखेगा जिसमें यह सक्षम है कि यह अपने भीतर कई आयामों की खोज कर सकता है। यह संभावना सिर्फ इसलिए बहुत कम हो गई है क्योंकि ये चीजें मिक्स हो गई हैं लोगों के जीवन के अनुभव में। क्लासिकल योग इन चीजों को अलग करने पर बहुत केंद्रित है। अगर आप इन चीजों को अलग कर लेते हैं तो आप वो बन सकते हैं जिसे अवधानी कहा जाता है। प्राचीन समय में ऐसे बहुत से लोग थे, आज कुछ ही हैं। उनमें से कुछ को अष्टावधानी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि उनके पास 8 प्रकार की क्षमताएं हैं, यानी एक ही समय पर उसी पल में वो 8 अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे वो कविता लिख सकते हैं, साथ ही वो एक बहुत ही जटिल गणित का सवाल हल कर सकते हैं, साथ ही वो इत्र को सूंघकर बता सकते हैं कि कौन सा क्या है, साथ ही कई चीजों का स्वाद ले सकते हैं और उसके बारे में जो भी बताना है वो बता सकते हैं। वो 5 इंद्रियों से संबंधित कई काम कर सकते हैं, यानी कि देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की 5 इंद्रियों से जुड़े कई काम कर सकते हैं एक समय में। अगर आप 8 काम कर सकते हैं तो आपको अष्टावधानी कहा जाता है। अगर आप 10 तरह के काम कर सकते हैं तो आपको दशावधानी कहा जाता है। अगर आप 100 तरह के काम कर सकते हैं तो आपको शतावधानी कहा जाता है। अगर आप 1000 तरह के काम कर सकते हैं तो आपको सहस्त्रावधानी कहा जाता है। सहस्त्रावधानी बहुत बहुत दुर्लभ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगस्त्य मुनि सहस्त्रावधानी थे। इसका मतलब है कि वो एक ही समय में 1008 काम कर सकते थे।
तो ये अवधानी सिर्फ किंवदंतियां ही नहीं है, अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो अच्छी तरह दर्ज हैं। आंध्र प्रदेश में विद्यापति दशावधानी थे। उनके जरिए आंध्र प्रदेश में दशावधानियों की एक पूरी संस्कृति विकसित हुई। आज भी आंध्र प्रदेश के गांवों में काफी संख्या में अष्टावधानी और दशावधानी हैं। सिद्ध चंद्र शतावधानी थे। उन्होंने अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार की निगरानी में 100 तरह के काम किए और इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया और शताब्दानी की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने 100 काम किए। और आधुनिक समय में भी ऐसे लोग हुए हैं जो एक समय में 100 अलग अलग काम कर सकते थे, जैसे रविचंद्र बाई, एक गुजराती जैन जो शताब्दानी थे, तिरुकुरल रामकन्नागा सुब्रमण्यम षोडशावधानी थे। इसका मतलब है कि वो एक समय में 16 काम कर सकते थे। ये सारी घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन कुछ जनजातियों से और भी कई लोग हैं जो ऐसा करते रहे हैं। भारत में ये एक आम बात थी कि लोग आते थे और गांव में एक छोटा सेटअप बनाते थे जहां कुछ 100 लोग इकट्ठा होते थे और वो एक ही समय में कई चीजें करके दिखाते, जो काफी चमत्कारी लगता था। पर यह एक इंसान की याददाश्त की क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि जब हम याददाश्त की बात करते हैं तो मानव स्मृति केवल व्यक्त याददाश्त तक सीमित नहीं है। व्यक्त याददाश्त सिर्फ एक ऊपरी परत है, बाकी एक गहन आयाम है। हमारा शरीर हमारे दिमाग में मौजूद व्यक्त याददाश्त से खरबों गुना अधिक स्मृति रखता है। आज दुर्भाग्य से कई आधुनिक वैज्ञानिक ये तर्क दे रहे हैं कि मानव मस्तिष्क एक ही समय में 2 काम करने में सक्षम नहीं है। आप उसे तभी सबसे अच्छे से कर सकते हैं जब आप एक समय में 1 काम करें। I am a living example that they are all wrong. I have 12-14 tracks running in my mind all the time. Do I look distracted? Disturbed or stressed because of that? No. मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि वो सब गलत हैं। मेरे दिमाग में हर समय 12-14 ट्रैक चलते रहते हैं। क्या मैं उस वजह से विचलित, परेशान या तनावग्रस्त दिखता हूँ? नहीं, आप इससे कई काम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको सचेतन रूप से उस पर ध्यान देना है। अगर आप कोई ट्रैक खोलकर उसे छोड़ देते हैं तो वो अपने आप चलता रहता है। ये मानवीय मानव बुद्धिमत्ता की प्रकृति है। आप यहाँ बैठकर अपनी किडनी से या अपने लिवर से या अपने तिल्ली से काम नहीं करा रहे हैं। आप ये सब नहीं कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें एक ही समय में नहीं हो रही हैं? क्या हमारे अंदर ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं है जो ये सब करने में सक्षम है? बात बस इतनी है कि ज्यादातर लोग बुद्धिमत्ता को सिर्फ दिमागी बुद्धि समझते हैं। दिमागी बुद्धि केवल सतही पहलू है, ये एक परत मात्र है उस विशाल बुद्धिमत्ता की जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। क्योंकि हम भीतर से बने हैं। इस शरीर को बनाने के लिए, इस जीवन को बनाने के लिए जितनी भी बुद्धिमत्ता चाहिए वो हमारे भीतर अंतर्निहित है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, ये हमारे भीतर ही मौजूद है। सवाल केवल पहुंच का है। अगर आप एक जीवंत बुद्धिमत्ता चाहते हैं, अगर आप एक जीवंत बुद्धिमत्ता के रूप में रहना चाहते हैं, तो ये एक चीज आपको नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी भी चीज के बारे में कोई राय ना बनाएं। मतलब कि आप हमेशा एक सक्रिय बुद्धिमत्ता हैं। आप हर चीज को वैसे देख रहे हैं जैसी वो है। राय बनाने का मतलब है कि आपने अनुभव करने की अपनी क्षमता खो दी है। आपने पक्की राय बना रखी है या अतीत की छाप उसे खत्म कर रही है जो अभी इस समय की वास्तविकता है। राय का मतलब यही है। लेकिन दुर्भाग्य से हमने ऐसे समाज बना लिए हैं जहां जब तक कि आपकी कोई राय ना हो तब तक आपको मूर्ख या बेवकूफ माना जाता है, क्योंकि आपकी कोई राय नहीं है। लेकिन यही सबसे स्मार्ट चीज है जो आप कर सकते हैं। यही सबसे बुद्धिमानी वाला काम है जो आप कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह की राय नहीं बनाते। आप हर चीज को वैसे देखने को इच्छुक हैं जैसी वो है।